जय माता दी। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि। विचे नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः स्वाहा। आइए दोस्तों, नवरात्रि का पहला दिन है और मेरी माता रानी की जोत जल चुकी है। सभी लोग दर्शन कर लीजिए माँ वैष्णो देवी के, माँ लक्ष्मी सरस्वती काली के दर्शन कर लीजिए। जय माँ वैष्णो देवी, जय माँ वैष्णो देवी, बोल सांचे दरबार की जय। आप सभी को नव दुर्गा की बहुत बहुत शुभकामनाएं गाइस। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। पूरे घर में मैं ये जोत माता की कर देती हूँ क्योंकि बहुत जरूरी है ये पूरे घर में घुमाना। अंकल के ऊपर भी कर देती हूँ, जल्दी ठीक हो जाए हमारे अंकल। जय माता दी, 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 जय माता दी। कोने में कहते हैं माता की अगर धूप की खुशबू और धूप आ जाए तो बहुत ही पवित्र हो जाता है आपका घर। वही तेरे भवन कर रहूं तुझ में मगन, दिन करती है एक नुकसान हो गया गाइस मेरे से, ये पॉट टूट गया आज, आप देख सकते हैं यार, मेरा इतना प्यारा पॉट था, ये टूट गया गाइस। मैं क्या, देखिए गाइस, ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ अंकल के लिए सिंपल पराठा। जी हाँ, उन्होंने आज मांगा है सिंपल तिकोना पराठा। गाइस मैंने अपने लिए फ्रूट्स मंगा लिए हैं, आप देख सकते हो, क्योंकि आज है मेरा फास्ट। ये है समा के चावल और ये है लड्डू है, ये उसके चौलाई के लड्डू है, और यहाँ पे ये मैंने चिप्स का पैकेट मंगाया है, और यहाँ पे पपीता है, संतरे हैं, पपीता है और संतरे हैं, और मैंने अपने लिए ड्राई फ्रूट्स भी किया है क्योंकि आज है मेरा फास्ट। गाइस ये मैंने फास्ट के लिए बना लिया है, आप देख सकते हैं आलू फ्राइड किए हैं मैंने, हरा धनिया, हरी मिर्च डाल के, और टमाटर भी डाला है। घड़ी में बज गए हैं, 11 होने वाला है गाइस, और यहाँ पे मैं लेने जा रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट, यू कैन सी। और आज मेरा फास्ट है, और फास्ट में आज मैं क्या क्या खा रही हूँ वो देख लीजिए आप। ये आलू के चिप्स हैं गाइस, और ये मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, मतलब मखाने लिए हैं, और ये मैंने आलू का बनाया है, बहुत कम ऑयल है इसमें, मतलब एक चुटकी भर ऑयल है तो। और ये यहाँ पे है हमारा दही। तो गाइस आप लोग ज्वाइन कीजिए कशिश के साथ ये फास्ट का खाना। गाइस आप मुझे देख सकते हो, मैं भूत लग रही हूँ। जी हाँ, मैंने मालिश वाली आंटी को बुलाया था, मालिश वाली इन द सेंस की हेयर मसाज के लिए। तो फिर मेरा मन कर गया, मैंने बोला आप मेरे पैरों पे और हाथों पे भी कर दो। फिर मैंने मेरे हाथों को किया, ओ माय गॉड, मुझे कितना रिलीफ मिला। ये देखो इतना ऑयलिंग ऑयलिंग हो गया ना, ये देखिए ऑयलिंग ऑयलिंग। और मैंने लेग पे भी कराया था और मैंने हैंड पे भी कराया था, लेकिन बहुत अच्छा लगा, मेरे हैंड ना इतने सॉफ्ट हो गए ना गाइस ऑयलिंग कराने से, आप देख सकते हो ये देखो, और मतलब अलग ही स्मूथनेस नज़र आ रही है। तो अब मैं सोच रही हूँ क्यों मैं करा लिया करूँगी हैंड का, और काम करती हूँ ना मैं, मेरे हैंड को मसाज की ज़रूरत है। तो हेयर पे कराया तो मेरे को भूत बना दिया उन्होंने, ऐसे 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 करके, देखो मैं कैसी भूत लग रही हूँ गाइस। चलो वो तो ठीक है, लेकिन अभी मैं यहाँ पे क्या लेके आई पता है, अपने लिए ऑरेंज, कि मैं खाऊंगी अब ऑरेंज। नोट की गाइस कि आज मैंने अपने टीके के ऊपर लगाई है ये येलो कलर की बिंदी छोटी सी, मुझे बहुत मन कर रहा था छोटी सी बिंदी लगाने का, तो मेरे फेस पे ये बिंदी कैसी लग रही है। मैंने यहाँ पे अपना लंच रेडी कर लिया है, आप देख सकते हैं, ये देखिए लंच में कशिश क्या लेके आई है। मैं ले रही हूँ लस्सी, और सैलेड है, और यहाँ पे चौलाई के लड्डू हैं, कुछ चिप्स हैं, और ये है मेरे आलू फ्राई। घड़ी में बजे हुए 3:30, आप देख सकते हैं, और चलिए बाहर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखा मैंने तो हमारे बैठे हैं चुन्नू मुन्नू, बॉटल लेके आई हूँ अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, बच्चों का खाना, आ जाओ। ये देखिए गाइस ईशी आ गई है, कल नहीं आए थे आप?
आपको पता है कल कंपटीशन हुआ था। तो गाइस आज मैंने बच्चों को 5 बजे बुला लिया है। जी हाँ गाइस, हेलो गाइस। तो ये मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने से स्टूडेंट आ चुके हैं। ये देखो ईशी भी आ गई है और अभी पागल कर रहे हैं मुझे कि मैम कंपटीशन ले लो जल्दी से, ले लो जल्दी से, ले लो। इन दोनों का हुआ था कल दोनों का। और तुम दोनों ने कमेंट पढ़े अपने? पढ़े? थैंक यू बोलो जिन्होंने सबको अच्छा बोला है। थैंक यू डॉक्टर मेहता। यस गाइस देखो उनको नाम भी याद हो गया आपका। तो उन्होंने क्या क्या बोला बताओ? मैम उन्होंने बोला कि मैं कैमरा फेस नहीं करता। बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड फील कर रहे थे ना? लेकिन नहीं, बहुत अच्छा है ना आपके लिए। अच्छा बोला ना मेरे सब्सक्राइबर्स लोगों ने, आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आपको डांस के लिए भी अच्छा बता रहे हैं कि इतना एम्बैरेस होने की जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं मान रहे हैं कि फ्राइडे को हमें नहीं देना टेस्ट, हमें आज ही कंपटीशन करना है मैम। तो इट्स ओके, कैमरा बहुत हिला रहे हो, मुझे बहुत हिला रहे हो कैमरा तुम। हाँ चलो गाइस, तो इन तीनों का हो जाता है फन। रेडी गाइस फॉर कंपटीशन? यस। ये बच्चे हैं, ये बच्चे हैं, मैं क्या ही करूँ, अब ये बोल रहे हैं तो चलो कर देते हैं। इनका गिफ्ट तो मेरे पास नहीं है अभी, लेकिन उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं मैम, आप गिफ्ट हमें फ्राइडे सैटरडे में दे देना। चलिए ठीक है, तो अभी इनका फाइनल हो जाए फिर मैं आपको बताती हूँ कि इनमें से फाइनल विनर कौन है, फिर आप भी बताइए। गाइस यहाँ पे कंपटीशन हो चुका है फाइनली, आप देख सकते हैं। और भव्य को, भव्य तो पागल हो रहा है कि वो कैसे करे, कि उसको आगे जाके यहाँ पे बच्चे लोग मस्ती कर रहे हैं। और फाइनल जो विनर हुई है ना वो अनायशा हुई है। अनायशा फाइनल विनर हुई है, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी। तो फाइनल बहुत अच्छा डांस किया उसने, और अच्छा सा डांस ईशी ने भी किया है गाइस, ऐसा नहीं है। लेकिन वो खुश है फिर भी, उसको ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत पागल हो गया गाइस। घुंघरू टूट गए, घुंघरू टूट गए, काला चश्मा मेरा चल रहा है। तो मैंने उसको बोला है कि वो बहुत अच्छा करता है, तो मे भी हो सकता है कि वो उस कॉम्पिटिशन में वो प्राइज ले जाए। तो ऐसा तो चलता रहता है हार जीत, तो वो थोड़ा सा हो जाता है नर्वस, पर इट्स ओके, बच्चे बहुत खुश हैं, थोड़ा सा ड्रामा कर रहा है बस, और कुछ नहीं है। तो गाइस ड्रामा बात है। तो बच्ची के साथ अभी हम लोग यहाँ पे व्लॉग को मैं बंद कर रही हूँ ये वीडियो। अभी हम और थोड़ा सा मस्ती कर लें, मिलती हूँ आपको आफ्टर डांस। बाय बाय, एंजॉय गाइस, हैप्पी नवरात्रि।